बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। कम्युनिटी टैब पे मैंने एक पोस्ट लगाई थी, जिसमें मैंने अर्ज किया था कि आप मुझे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके लिए सजेशन दें। उसमें से कुछ कमेंट्स आए हैं जिसके बारे में डिटेल से डिस्कशन होगी, ताकि जिन लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स किया है उनकी रिस्पेक्ट के लिए ये जो है वीडियो बनने जा रही है। तो सबसे पहले सर नुमान ने मैसेज किया, मेक कंप्लीट वीडियो फॉर केस रिलेटेड टू डाइवोर्स इटली। देखें, डाइवोर्स सर्टिफिकेट जब स्पाउस में से एक पर्सन को डाइवोर्स होती है, उस सिलसिले में एक डॉक्यूमेंट बढ़ जाता है, वो होता है डाइवोर्स सर्टिफिकेट। अगर आपकी डाइवोर्स नहीं है तो आपको चार डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, निकाह नामा, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और जो पाकिस्तान के अंदर पर्सन है उसका बर्थ सर्टिफिकेट। और इन केस अगर आपकी डाइवोर्स हुई है तो इन चार डॉक्यूमेंट के साथ पांचवा डॉक्यूमेंट होता है डाइवोर्स सर्टिफिकेट का। इन पांच डॉक्यूमेंट को आपने करेक्शन करवानी होती है, इनके अंदर कोई मिस्टेक्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद आप इनको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेशन करवाते हैं। अब डाइवोर्स पर्सन अगर इटली में, इटली वाला पर्सन जो है वो डाइवोर्स है तो उसका भी डॉक्यूमेंट लगेगा, अगर पाकिस्तानी पर्सन डाइवोर्स है तो उसका भी डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से डाइवोर्स सर्टिफिकेट को अटेस्टेशन करवानी है और पर्सन इटली में मौजूद है तो उसका जो है वो एफिडेविट लगेगा, जो पावर ऑफ अटॉर्नी होगी जो इस चीज़ को इंडोर्स करेगी कि ये मेरे भी हाँ में मेरे डाइवोर्स सर्टिफिकेट को ये अटेस्टेशन करवा सकते हैं। तो इन पांच डॉक्यूमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अटेस्टेशन, ट्रांसलेशन, मीनवाइज सेम इसी तरह लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट, आफ्टर दैट फैमिली रीयूनियन वीजा की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार होता है। पहले मोसा सर्टिफिकेट प्रोसीडिंग बहुत लंबा चक्कर हुआ करता था, लेकिन ऐसा कम होते होते जस्ट डाइवोर्स सर्टिफिकेट पर आ गया। एक चीज़ आप ये याद रखिएगा, डाइवोर्स सर्टिफिकेट में जो CNSA नंबर है वो सारे एग्जैक्ट मेंशन होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अफ्रीका है, प्रोसेसिंग टाइम अफ्रीका, US, कैनेडा एंड यूरोपियन पे बना दें। यार ये इतना वाइड टॉपिक आपने मुझे बता दिया है और यहाँ पर आपने स्पेसिफाइड भी नहीं किया कि क्या करूँ, कि विजिट वीज़ा है, फैमिली वीज़ा है, स्टडी वीज़ा है। जो फैमिली वीज़ा होता है उसका नॉर्मली ज़्यादा टाइम लगता है, जो विजिट केसेस होते हैं 30 से 45 दिन के अंदर अंदर उनका रिस्पांस आ जाता है। जितना आपने क्वेश्चन किया है उसके रिस्पांस में मैं इतना ही रिएक्शन दे सकता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट फातिमा ने क्वेश्चन किया कि 21 डे रेफर जेडी बट नो रिस्पॉन्स, मुझे तो 31 दिसंबर मिड ऑफ जनवरी में अपॉइंटमेंट्स की रेफर आए हुए हैं बट अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया। जैसे ही वो आएंगे तो लाजमी आपको बताएंगे, लेकिन नॉर्मली ये 2 से 3 हफ्तों में दे देते हैं, लेकिन इस दफा ये काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा है। आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, मिस्टर खावर ने पूछा कि वर्क वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं। सर, वर्क वीज़ा के लिए सबसे पहले तो आपको इटली में कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा, और जब आपको कॉन्ट्रैक्ट जो नोरा ओस्ता होता है कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर 2 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की और बर्थ सर्टिफिकेट की। अगर आप शादीशुदा हैं तो शादीशुदा वाला भी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। सेम उसको फॉरन अफेयर से अटेस्टेशन करवानी होती है, डायरेक्ट इटली एम्बेसी की अपॉइंटमेंट मिलती है, लीगलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर जो होता है लाइक इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, तो इसका जो है 2-3 महीने के अंदर अंदर वीजा लग जाता है अगर अपॉइंटमेंट आप लोगों को जल्द मिल जाए। मेन वे नीचे अली सुपारा ने पूछा है कि ब्रदर रेफर अपॉइंटमेंट का क्या करूं, कोई जवाब नहीं आ रहा। 15 दिन आपको 15 दिन हो गए हैं, उससे ऊपर कमेंट मैंने पढ़ा है उनको 21 दिन हो गए हैं, और मुझे ऑलमोस्ट 1.5 माह के करीब टाइम होने वाला है। तो यार इसमें अभी मैं ज़रा चुकी हूँ, ठीक हो गया। अली मर्थ ने पूछा है कि इटली वर्क परमिट सेम, यार मैंने ऊपर क्वेश्चन का आंसर दिया कि किस तरह होता है। तो वीडियो को जितना शॉर्ट रखा जाए उतना ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट कम्युनिटी पोस्ट हम लगाएंगे या इसी कम्युनिटी पोस्ट के नीचे आप अपना जो टॉपिक है अपनी क्वेरीज को डिस्कस करें, हम इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो लाजमी बनाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाइएगा। अल्लाह हाफिज़।